जगत में बताने के लिए, प्रचार करने के लिए आपने ऐसा कहा। प्रहलाद महाराज अपने को शुद्ध भक्त नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त, निष्काम भक्त कभी भी सोचता भी नहीं है कि मैं शुद्ध भक्त हूं। तो भक्त लक्षण जिज्ञासु, भक्त का लक्षण जो जानते हैं कि श्री भगवान इसी के लिए कह रहे हैं, वर मांगने के लिए। जो भक्त है या जो व्यक्ति कामना रख करके स्वामी की सेवा करता है, तो वह वास्तव में भृत्य नहीं है, भक्त नहीं। साफ कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हम निष्काम भक्त हैं और आप स्वामी निरपेक्ष हैं, आप परिपूर्ण हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई सेवक मेरी सेवा करे, आप सब तरह से पूर्ण हैं, किसी की अपेक्षा नहीं रखते हैं, और मैं भी आपका निष्काम भक्त हूं। मुझे यह कामना नहीं है कि मैं सेवा करूं जो बदले में कुछ वेतन दे, कुछ करे। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि ये तो वणिक है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सेवा इसलिए कर रहा है स्वामी की कि स्वामी हमको पगार देगा, वेतन देगा, तो वह सेवक नहीं है, वह तो वणिक है, वह तो व्यापारी है, बनिया है, थोड़ा सा पूंजी लगा करके और बहुत पाना चाहता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पत्र पुष्प फल जल मुझको अर्पण करता है तो मैं उसको बहुत संपत्ति देता हूं, बहुत ऐश्वर्य देता। यह सुन करके यदि कोई भक्ति कर रहा है कि भगवान को पत्ता चढ़ा देने से वैकुंठ देते हैं, तो इसलिए किया जाए, कुछ फल चढ़ा दिया, कुछ फूल चढ़ा दिया, कुछ पानी, और आकांक्षा करता है कि ये विश्व के स्वामी हैं, हमको देंगे, स्वर्ग देंगे या भोग देंगे, तो वह भक्त नहीं है, वह वणिक है, बनिया है। भगवान को कुछ दे करके और बहुत कामना करता है, और स्वामी भी वह वास्तव में स्वामी नहीं है कि सेवा करा करके कुछ देना चाहता है। तो मैं आपका निष्काम भक्त हूं और आप मेरे अनपेक्ष स्वामी हैं। इस जगत में जैसे राजा और राजा के सेवक होते हैं, तो दोनों दोनों पर डिपेंड रहते हैं। वो इसलिए सेवा करता है कि मुझको महीना देंगे, और वो सेवा लेता है, स्वीकार करता है, क्योंकि वो आश्रित है, तो सदा चाहता है कि ये मेरी सेवा करने वाला अभाव में रहे और हम पर डिपेंड रहे, सेवा करके देता है, सेवा करा करके, तो चाहता है कि हमारी सेवा होती रहे, मैं स्वामी बना रहूं। लेकिन श्री भगवान ऐसे नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं आप अनपेक्ष स्वामी हैं, आप सब तरह से परिपूर्ण हैं, आपको कभी ये भान नहीं होता है कि मैं सेवा लूं, कोई सेवा करेगा तब भगवान सुखी होंगे, ऐसी बात नहीं। इसको अनपेक्ष स्वामी कहते हैं।
तो आप अनपेक्ष स्वामी हैं और मैं निष्काम भक्त हूं। अतः आपने जो ये मांगने के लिए कहा तो मैं समझ रहा हूं आप भक्त के लक्षण को जगत में जाहिर करना चाहते हैं। फिर भी भगवान ने कहा प्रहलाद तुम मुझसे मांगो, मेरा ऐश्वर्य किस काम आएगा, मैं किस लिए जगत का ईश्वर हूं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मांगो कुछ मांगो, यदि नहीं मांगोगे तो इसमें मेरी बेइज्जती है। तो श्री प्रहलाद महाराज ने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं, यदि ददासि मे कामा वरांस तोम वरदर्शन, हे वरदानियों में सर्वश्रेष्ठ, आपकी अभिलाषा इच्छा है देने की तो मुझे ये वर दीजिए, कामान हृदय सुन लो हम भौतस्तु वृणे वरम, मेरे हृदय में कामनाओं का अंकुर भी न उगे। भगवान की बात रखने के लिए प्रहलाद महाराज कहते यदि दास्यसी मैं कामान वरांस्तुम वरदर्शभ कामानम हृदय संरोहम भौतस्तु वृणे वरम, यही वर मांग रहा हूं कि कभी हमारे हृदय में आपकी सेवा के अलावा कोई कामना का उदय हो ही नहीं, कोई भौतिक वस्तु की इच्छा कभी हो ही नहीं, उदित ही ना हो, थोड़ी भी इच्छा ना हो कभी। इसको अंकुर कहते हैं, जैसे वृक्ष पहले बीज के रूप में होता है, बीज से अंकुर उगता है तो अंकुर भी ना उगने पावे। इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में जो भौतिक बीज है, विषय भोग का बीज, उसे ही जला दीजिए। न धनम न जन्म न सुंदर इन कविता वा जगदीश काम मम जन्मने सूर्य भवता भक्ति रहे तो की तु। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु मानते क्या है, वे इसी श्लोक के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं। न धनम न जन्म और न अनुयायी, धन नहीं चाहिए और बहुत अनुयायी नहीं चाहिए, बहुत चेला चाटी नहीं चाहिए। इस संसार में इसी की कामना सबको रहती है, हमारे बहुत से सेवक हों, अनुगामी हों और हमारा धन बढ़ता जाए। यहां तक कि विरक्तों में भी धन की कामना बहुत रहती है। आप देखते ही हैं सब जगह विरक्त कि हमारे लिए बहुत सुंदर गाड़ी हो जाए, बहुत सुंदर महल हो जाए, और प्रतिदिन एक कामना रहती है। कितना भी धन है लेकिन धन की कामना बढ़ती ही जाती है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम, धन नहीं चाहिए हमें, अनुयायी नहीं चाहिए और सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। इस जगत में विषय भोग के लिए सुंदरी स्त्री का संग्रह करते हैं लोग, चाहते हैं कि वो हमें मिले।
लेकिन भगवान कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए, और कविता पांडित्य नहीं चाहिए। विद्वता नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए तुमको? मम जन्मनी जन्मनी, मैं जब जहां भी जन्म हूं प्रत्येक जन्म में, और चाहे पक्षी बनू या पशु अथवा आदमी, भावता भक्ति रहे तो की तो आप में अहैतु की निष्काम भक्ति हो, भक्ति करके मैं कुछ चाहूं नहीं, केवल भक्ति भक्ति के लिए, भक्ति के बदले और कोई वस्तु कामना नहीं, किसी हेतु से आपकी सेवा करूं ऐसा नहीं, केवल सेवा करूं, भक्ति हो, ये प्रायः मनुष्यों के हृदय में ये इच्छा रहती है, हम भक्त बने हैं तो हमको भगवान दें, हम हमारी विपत्ति हर लें, हमको धन दें, हमको सुख दें, आराम दें, और इस जन्म के बाद मुझे स्वर्ग दें, अच्छे परिवार में जन्म दें। भक्ति की कामना प्रायः नहीं होती है, विषय भोगों की ही कामना रहती है, भले व्यक्ति कहे या ना कहे, और कामना हृदय में उत्पन्न होती है। तो श्री प्रहलाद महाराज तो भगवान के उपस्थिति में बात कर रहे हैं, भगवान सामने हैं और प्रसन्न है, तो फिर भी कहते हैं ये सब चीज नहीं चाहिए हमें, अगर देना ही है, दिए बिना आपको नहीं रहा जाता है, देने में ही आपका सम्मान है, तो ये दीजिए कि हमारे हृदय में कामनाओं का बीज ही अंकुरित ना हो, बीज जला दीजिए। तो विषय भोग की कामना बहुत भारी अज्ञान के कारण है, हम अपना संबंध कृष्ण के साथ भूल जाते हैं और संसार को ही सत्य मान करके यहाँ भोग भोगना चाहते हैं। इन भोगों के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नए होते, जो इंद्रियों के भोग हैं इस जग प्राकृतिक जगत में, भौतिक जगत में संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया, ये दुख की योनिया है, कारण है, तो अनेक दुख उत्पन्न करते हैं, दुख की माँ है। अगर अकेले दुख रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो दुख की योनि है, कारण है, अनेक दुख पैदा होता है इन भोगों से। और यदि कोई व्यक्ति स्त्री में आसक्त है तो उसे अनेक दुख भोगने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार के रोग, तो ये दुख योनिया होते, दुख की योनिया है आद्यंतवंत। और ये भोग कैसे हैं, उनका प्रारंभ होता है आदि और अंत, इसीलिए न तेसु रमते बुधा, इन भोगों में बुधा विद्वान व्यक्ति न रमते, समझदार व्यक्ति नहीं रमता है, मूर्ख लोग रमते हैं। संस्पर्शज भोग सब संसार का भोग दुखद है, और यह नित्य है आद्यंतवंत, पहले नहीं रहते हैं, शुरू कुछ होता है और कुछ ही समय के बाद उनका अंत हो जाता है। इन भोगों में
सांसारिक विषयों में बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रमता है। ये देखा जाता है जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वे अपने चित्त को संयमित करके भगवान का चिंतन करते हैं या भगवान का जप करते हैं, नाम का भगवान के बारे में पढ़ते हैं, एकांत में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। उपद्रव से बच करके, डिस्टर्बेंस से बच करके भगवान का स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। वही प्रभु जो भोगों को दुखद कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज को प्रेरित कर रहे हैं कि हमसे मांगो, तो प्रहलाद महाराज समझ रहे हैं कि ये भक्त के लक्षण को जगत में फैलाने के लिए ये योजना बना करके बात कह रहे हैं, अन्यथा भगवान तो जगत के सबसे बड़े हितैषी हैं। यही हितैषिता है कि भगवान इस जगत को बना करके और यहाँ भोगों की सारी व्यवस्था है करके कहते हैं सावधान, ये दुख योनिया, दुख की योनिया है। जैसे सरकार हमको बिजली देती है लेकिन कहीं कहीं लिखी रहती है डेंजर, खतरा है, कटा हुआ मस्तक दिखाती है सरकार, तो यहां मत छूना नहीं तो मर जाओगे। तो उसको बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ लेता है, समझ लेता है तो छूता नहीं है, लेकिन मूर्ख आदमी छू करके देखेगा क्या खतरा है, किसी के लिखने से क्या होगा, ये भगवद गीता छापने से क्या होगा। वो कह दिए, भगवान कह दिए भोगों में दुख है, लेकिन क्या दुख है मैं देखूंगा। तो बिजली को छूने जाता है तो इसके बाद वो अनुभव बता भी नहीं सकता है। और दूसरे का अनुभव काम आता है, पोस्टमार्टम होने लगता है, और छूने गया टेस्ट करने लेकिन बताया भी नहीं कि कैसा लगा, एक ही करंट में, एक ही शॉर्ट में वो समाप्त हो गए। तो यह दशा है भोगों की। और स्वयं जगतपति भगवान गीता में कह रहे हैं यही संस्पर्शजा भोगा, जो भी संसार के भोग हैं इंद्रियों के, दुख जो न एवत, दुख योनि है, बहुत दुख उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें मत रमो। और दृष्टांत भी देते हैं, विद्वान लोग इसमें नहीं रमते हैं, वे गीता पढ़ करके सावधान हो जाते हैं। तो इस तरह ये प्रहलाद महाराज की कथा ये शुद्ध भक्ति का निदर्शन है, ऐसे भक्त को होना चाहिए कि स्वयं भगवान भी कहे मांगने के लिए तो नहीं मांगो, विषय भोग नहीं मांगने से फिर दूसरों से क्या मांगे। दूसरे से मांगते हमको थोड़ा सा दे दो, कुछ पैसा दे दो, जरूरत है, वो भी मिलता नहीं है। स्वयं भगवान से भी नहीं मांगना है, इतना अभिमान होना चाहिए भक्त को। भगवान बार बार अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि मैं समस्त मनोरथों का स्वामी हूं, आशीषम पते, और मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मेरे को जानने के लिए, पाने के लिए धीर लोग प्रयास करते हैं, मैं समस्त
कामनाओं को दे सकता हूं। भगवान कुछ भी कहे आप दे सकते हैं ठीक है, लेकिन हमको दीजिए कि हमको कोई कामना ही ना हो। तो भगवान ही हमारे इस काम बीज को खत्म करेंगे। जो हृदय में अनादि काल से वासना है, विषय भोगों की वासना या संसार के भोगों की वासना है, इसको भगवान ही समाप्त करेंगे। यही प्रहलाद महाराज ने मांगा। यह भी वर भगवान के आग्रह करने पर भी मांगे। तो यही शिक्षा है प्रहलाद महाराज। विषय भोग एक तो चाहने पर मिलते नहीं, उनकी प्राप्ति हमेशा अधूरी होती है। कोई भी भोग हमेशा अधूरा मिलता है जीव को, इस जगत में पूरा कभी नहीं होता है। यही स्वभाव है विषयों का, भोगों का, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति गृहहीन है, वो चाहता है कि हमको अच्छा घर मिले, मैं खरीद लूंगा। अगर वो खरीद लिया भी तो उसकी इच्छा पूरी हो गई ऐसा नहीं। अब घर में फिर फर्नीचर चाहिए, और आजकल तो टीवी चाहिए वो रखेगा, और अनेक प्रकार का अभाव बना रहता है। ये भोग कभी पूरे नहीं होते। गृह भी एक भोग ही है, कार भी एक भोग है। तो कार किसी के पास हो गई तो भी पूरा नहीं हो सकता है, उसमें भी अनेक कमियां रह ही जाती है। सुविधा हो गई चलने की, लेकिन गर्मी के दिन में अब उसमें एसी चाहिए, तो भोग कम ही रहते, पूरा होते ही नहीं है। यही भोगों का स्वरूप है। व्यक्ति सोचता है अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा, लेकिन जीवन पूरा हो जाता है यही सब काम करते हुए, उद्यम करते हुए, लेकिन कभी भी विषय भोग पूरा नहीं होता है। शरीर बदल जाता है, फिर दूसरे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में वही कामनाएं रहती हैं, और कामनाएं बाकी रहती है, इसलिए देह देती है माया, फिर देह मिलता है, और उस देह में भी कामनाएं, और कामना के अनुसार कर्म। अपने कामना की पूर्ति के लिए जीव कर्म करता रहता है। छोटे छोटे जीव भी कर्म करते हैं, जैसे चूहा। चूहा कितना कर्म करता है, सो जाते हैं सब लोग, और रात में घर बनाता है, और घर में संग्रह करता है, यहां से अनाज ढो करके, आलू लेकर के जमा करता है, जमा करता ही रहता है। और वहीं पर सांप आ जाता है, वो सांप ये विचार नहीं करता है कि चूहा महाशय का मनोरथ पूरा हो गया। तो पूरा हो चाहे न हो, वो उस घर के मालिक को खा लेता है सांप, और चौल लेता है। तो इसी तरह से हमारा मनोरथ कभी पूरा नहीं होगा, हमेशा कमी रहेगी। और काल अचानक हमें ले देगा। जैसे सांप विचार नहीं करता है कि चूहा का मनोरथ पूरा हुआ है नहीं, उसको उससे क्या मतलब है, उसको तो भोजन से मतलब है। तो ऐसे ही ये प्रचंड काल कभी विचार नहीं करता कि इसकी इच्छा पूरी हुई या नहीं। वो चाहे राष्ट्रपति हो या एक चौकीदार हो, सभी कामना में है,
और बुढ़ापा आ जाती है, काल आ जाता है अकस्मात, और जो कामना बाकी रह गई उसके लिए फिर देह लेना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो ये कामनाएं यही संसार बीज है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। जन्म मरण का कारण है एक कामना है, इसीलिए कामनाओं की निवृत्ति चाहते हैं। भगवान से कहते हैं कि हमारे हृदय से कामनाओं को जला दीजिए, कामनाओं का अंकुर भी न उगे। यदि कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है वास्तव में, तो उसे इन कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। कामना के रहते हुए कभी हृदय में शीतलता नहीं आएगी, जलता रहेगा जीव। प्रत्येक जीव इसी कामना से जल रहा है। अब छोटे छोटे से जैसे चींटी है, उसको कौन फिक्र है, लेकिन मनुष्य रात में सो जाते हैं और वो लाइन लगा करके अपना सामान ढोती रहती है, निरंतर काम में है। कितना भोजन चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, चीनी का एक कण है, लेकिन उसी के लिए अब भोजन जुटाने में जुटी है। जंगल में ऐसा होता है, चींटी जुटाती है सांवा बिल में, और उसके जमा किए हुए भोजन को, गोदाम को या क्या कहते हैं, वो जो जमा करते हैं अनाज को, नहीं वो अनाज को इकट्ठा करते, तो वो अभी काम चींटी का ही है ना। चींटी इतना परिश्रम करके जुटाती है, उसको भालू खा जाता है। तो यही हालत मनुष्यों की है, 24 घंटा काम काम काम, और 24 घंटा समय मिला है किसके लिए, वो नाम जपने के लिए भगवान का, भागवत पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है, और केवल देह के लिए काम करना है, काम करते रहते हैं, काम करते करते भोग का उपकरण जुटाते जुटाते मर जाते हैं, उसे कोई लाभ नहीं, लेकिन उसी में लगे हुए हैं। और जो परम लाभ है जीवन का, उससे इतना लापरवाह हो गए। कभी कभी उपदेश सुन करके ज्ञान होता है, तब सोचते अच्छा वो भी जरूरी है, या भगवान का स्मरण भी जरूरी है, या नाम जप भी जरूरी है, ठीक है कर लेंगे, लेकिन अभी तो टाइम नहीं मिलता है। तो मिलेगा टाइम तुमको खूब अच्छा से, और काल भगवान वो सब समय देते हैं। जिस समय शरीर की शक्ति चली जाएगी, किसी रोग से ग्रस्त होंगे, जब बुढ़ापा आएगी, तब उस समय जप करेंगे, पर उस समय रोते हुए जप करेंगे, हरे कृष्णा जब तो करेंगे ही, लेकिन बड़ी कठिनाई से, और अभी जवानी में समय नहीं है। ये बहुत भारी मूर्खता है मनुष्यों की। जल्दी करना चाहिए,
भक्ति करनी है तो भक्ति परम आवश्यक चीज है, वो उसको पहले लाइन में रखना चाहिए, फ्रंट लाइन में, वही काम पहले करना है।